एडीजीपी कमिश्नर रीवा संभागीय सहित जिले भर के आला अधिकारी ने लगभग 50 किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा रैली रीवा व्हाइट टाइगर सफारी गोविंदगढ़ के रास्ते पर निकाली। एडीजीपी कमिश्नर रीवा संभाग सहित जिले भर के आला अधिकारी ने लगभग 50 किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा रैली रीवा व्हाइट टाइगर सफारी गोविंदगढ़ के रास्ते पर निकाली। यह रैली प्रारंभ हुई रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर से। हम आपको बता दें, यूं तो पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर जोश उल्लास नजर आ रहा है। यह उल्लास रीवा में कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। जिसे देखो वही देशभक्ति के खुमार में डूबा नजर आ रहा है। प्रशासनिक अमले में यह उत्साह कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। प्रशासनिक अमले के तमाम आला अधिकारी पूरी तरीके से देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वह एडीजीपी हो या फिर संभागीय कमिश्नर, फिर चाहे एसपी रीवा हो या कलेक्टर, या फिर कलेक्ट्रेट का बाबू, या फिर पुलिस का सिपाही, या फिर आम आदमी, या फिर छात्र हो, जिसे देखो उसे ही तिरंगे का खुमार चढ़ा हुआ है। इस खुमार में और रंग घोलने का काम कर रहे हैं यही आला अधिकारी। आज उन्होंने रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर से एक रैली निकाली। यह रैली रीवा गोविंदगढ़ व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर के रास्ते से गुजरी। इस दौरान जगह जगह पर लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित भी किया गया। माना जा सकता है जिस तरीके से यह आला अधिकारी सहित तमाम लोग रीवा की गलियों सड़कों पर नजर आ रहे हैं, 15 अगस्त के दिन नजारा कुछ शहर का बदला हुआ नजर आएगा। रीवा की बात की जाए तो जिसे देखो वही अपने घर आस पड़ोस के लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने की बात कह रहा है। माना जा सकता है हर व्यक्ति 15 अगस्त के दिन हर घर पर झंडा जरूर फहराएगा। जिस तरीके का आज माहौल है उसको देखकर हम कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराने का निश्चय किया गया था, जिसके चलते धीरे धीरे इस देश प्रेमी जज्बे ने एक अभियान का रूप ले लिया। इस नारे ने एक अभियान बना दिया, एक लोगों को मुहिम के शक्ल में इसको लोगों ने ले लिया। आज हर घर तिरंगा स्लोगन एक अभियान में बदल गया है। छोटे से लेकर बड़े तक के मुंह में हर घर तिरंगा छाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर रीवा की गलियों सड़कों पर जिसे देखो वही अपने साथियों के साथ तिरंगा लहराता हुआ जय घोष के नारे के साथ गुजर रहा है। हर आधे घंटे में रीवा के प्रमुख मार्ग पर एक रैली नजर आ रही है, वहीं तिरंगा की बात हो रही है, जिससे लोगों के जज्बातों में जोश उमंग कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। इसी जोश उमंग जज्बात को और बढ़ाने के लिए रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला प्रशासन द्वारा निकाली गई विशाल तिरंगा रैली, जिसमें एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव, संभागायुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, कमांडेंट एसपी साकेत पांडे, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े सहित जिले भर के अधिकारी कर्मचारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रत्येक घर में तिरंगा लगे, प्रत्येक प्रतिष्ठान के ऊपर तिरंगा लगे, और जो हर घर तिरंगा है इसमें रीवा जिला में कोई भी परिसर, चाहे वो आवासीय हो, वाणिज्यिक हो या शासकीय बिल्डिंग्स हो, कोई भी बिना तिरंगे के लहराता हुआ ना दिखे, यही उसका उद्देश्य है। और इस कोशिश में हम लोग लगातार हर वर्ग के लोगों के साथ इस तरह के जन जागरूकता की रैली कर रहे हैं। आज सभी लोगों के साथ शासकीय और अशासकीय एक बड़ी विशाल रैली की गई है। इस रैली के माध्यम से हम लोग रीवा के जो कुछ ऐसे स्थानों पर जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हम लोग गोविंदगढ़ किले पर जाएंगे, और गोविंदगढ़ किले के बाद फिर व्हाइट सफारी मुकुंदपुर जाएंगे, और वहाँ से फिर वापस यहाँ आएंगे रीवा में। इसमें पुलिस के, एसएएफ के, सरकारी रेवेन्यू के, जनपद के,
बहुत सारे जनप्रतिनिधि, एनजीओ के लोग, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं वो सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस माध्यम से हम लोग हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको जिले में 100% सफल करने का प्रयास कर रहे हैं।